हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स आता है उस फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स आता है। क्यों आता है? क्योंकि मूविंग चार्ज खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उससे जलता है तो एक फोर्स लगाता है ही नहीं। तो व्हेन देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स दे विल डेफिनेटली इंटरैक्ट विद एन अट्रैक्टिव और ए रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली ए करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सो इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाउ इट इज अफेक्टेड, हाउ मच इज द फोर्स, वो सारा हम लोग अभी देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, फोर्स ऑन ए करेंट एलिमेंट। फोर्स ऑन ए करेंट एलिमेंट और करेंट कैरिंग वायर लिखेंगे, करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो फिर इसको हेडलाइन है तो हेडलाइन थोड़ा कलर हो गया, हेडलाइन में ये। तो पहला फंडामेंटल चीज जो है कि कोई करंट एलिमेंट के ऊपर फोर्स क्यों आता है। आप कहोगे एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर और एक करंट एलिमेंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Yes. तो अगर ये चीज हमें मालूम है
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी और क्यू बी बी साइन थीटा, ऐसा हम लोग प्रीवियस क्लास देखे थे। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज क्यू बी बी साइन थीटा, इसमें थीटा क्या था, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास, है ना। लेकिन हाल हमारा ये नहीं करना है, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन ए स्मॉल करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट आईडीएल, आईडीएल एक स्मॉल करेंट एलिमेंट है जिसका एक डायरेक्शन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। व्हाट इज आईडीएल, स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ आई एम्पियर्स, जिसका वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, है कि नहीं। पहले से पढ़े आप लोग भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूं। सपोज ये कोई एक वायर है, इस वायर में कुछ आई एम्पियर करंट जा रहा है, इसका छोटा सा हिस्सा ले लो, ये जो छोटा सा हिस्सा है दैट विल बिहेव एज ए करंट एलिमेंट। मान लो कि इस हिस्से का लेंथ है डीएल और इसमें करंट जा रहा है आई, तो ये जो करंट एलिमेंट है वो आईडीएल है। क्या है मैग्नीट्यूड, आई इंटू डीएल। क्या है डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा था ना, दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल। बैट सब हम लोग पढ़ चुके है ना, ये सब चीजें सबको मालूम है, जागृत को भी मालूम है, देखो कितना बढ़िया। तो फोर्स ऑन ए स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, शायद अभी आप बता सकते हो क्या होगा फॉर्मूला, हाँ आइडियल क्यू भी की जगह आइडियल, अभी अभी तो देखे ना आइडियल के और क्यू भी दोनों बराबर चीज है कि नहीं। तो क्या कहेंगे, इट इज आइडियल क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिखेंगे बी आई डीएल साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड आइडियल, बी और आइडियल के बीच में ये एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड आइडियल। अच्छा तो फोर्स तो एक वेक्टर है, खाली इसका मैग्नीट्यूड बताने से थोड़ी चलेगा, उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या बताना है, अभी अभी तो समझे क्यूबी के ऊपर जैसे होता है आइडियल के ऊपर ऐसे ही होगा। क्यूबी के केस में डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, एंड इट वाज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। When your fingers indicate the direction of velocity of positive charge, thumb indicates the, sorry, fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the velocity of positive charge, force was coming out like this, है ना। अब ideal cross B करेंगे, force का magnitude होगा B ideal sin theta, तो इसमें क्या होगा direction force का बताओ, just जहां पर velocity of positive charge था वहां पर ideal रखेंगे। अगर ये हो गया डायरेक्शन ऑफ आइडियल और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कैसे होगा, कमिंग आउट फ्रॉम द पाम लाइक दिस। सो इफ दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ आरसीडी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द पाम। ये आपको समझ में आ गया, इस चीज को यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा क्योंकि नोट पूरा बनाना है। सो व्हेन इन राइट हैंड पाम रूल लिखेंगे, इन राइट हैंड पाम रूल इफ फिंगर्स इंडिकेट और गिव डायरेक्शन ऑफ बी, thumb gives
डायरेक्शन ऑफ आइडियल द करंट एलिमेंट देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलरली कमिंग आउट फ्रॉम द पाम जैसे अगर हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर था, यू कॉल इट आइडियल। क्या बता सकते हो कि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? फोर्स ऊपर उठाएगा, बी ऐसा है, ये ऐसा है, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। देखो जो फोर्स है इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है। सपोज आई चेंज द केस, आई से हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड नाउ हियर इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट। ये सोचो तुम ये बी ऐसा है तो इधर को जाएगा, तो द फोर्स विल बी लाइक दिस। अगर ये हो गया करंट एलिमेंट, कितना बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। लगे हाथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और भी समझ लेते हैं, ठीक। है कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कुछ करंट जा रहा है, वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड के चलते खुद के ऊपर क्या फोर्स आए? खुद का मैग्नेटिक फील्ड मतलब दिस वायर कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, उस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर के ऊपर कैसा फोर्स आ रहा है? सोचो तो यहां पे अगर कोई एक एलिमेंट, हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स तो तब आएगा जब यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अलोंग द स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। तो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा। समझ में आया? अच्छा, तो क्या लिखेंगे? ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर डज नॉट experience any force due to its own magnetic field। अच्छा ठीक, खुद का मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है, समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? I don't know signal is slow or sound velocity is so less। प्रणव कुमार को समझ में नहीं आया? आया, बड़ी कृपा है आप, समझ में आ जाता है। अच्छा सोचो, कोई एक स्ट्रेट वायर है, ये कोई एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है, इस करंट के चलते एट पॉइंट पी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी है जीरो। तो यहां पे अगर आप छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं आइडियल, तो फोर्स और आइडियल विल बी जीरो। लेकिन सोचो तो ये कोई बेंट वायर होता, कोई भी शेप का ले लो, ऐसा शेप का, सपोज ऐसा कोई एक बेंट वायर है, जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई एक बेंट वायर है, अब ये बेंट वायर में करंट कुछ जा रहा है, तो अब क्या है कि क्या अलोंग दिस वायर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? नहीं, जीरो नहीं, तो हर जगह कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो हर जगह जो करंट एलिमेंट है उनके ऊपर कुछ कुछ फोर्स आएगा। चलिए सोचते हैं, इसके पास यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है इसके ऊपर, या फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है कैसे फोर्स आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, छोटा सा समझने में आसान होगा। सपोज ये वायर इज हैविंग ए सिंगल कर्वेचर, मैं जो बनाया था पहला वाला क्या, इधर का कर्वेचर फिर इधर का कर्वेचर, मतलब एक पार्ट का सेंटर इधर है, एक पार्ट का सेंटर इधर है। आई एम गिविंग यू ए केस ऑफ सिंगल कर्वेचर, मतलब एक ही कर्वेचर, सेंटर एक ही तरफ है, केसेस बदल जाएंगे एंड यू हैव टू एनालाइज फर्दर।
ऐसा कोई एक वायर में अगर मैं देखना चाहूंगा कि हाउ इज द फोर्स ऑन दिस सेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट, व्हाई देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस, बिकॉज ईच अदर सेक्शन इज प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड हियर। ये एलिमेंट के चलते यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो अंदर की तरफ, इसके चलते यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, सोचो फोर्स कैसे आएगा, ऐसे इस पार्ट के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर करंट एलिमेंट लिए हैं, इस एलिमेंट के चलते हम कहेंगे कि यहां पर हर तरफ क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो इनवर्ड ही होगा, है ना। तो सोचो हर सेक्शन के ऊपर फोर्स कैसे आएगा, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो सोचो इच सेक्शन विल एक्सपीरियंस फोर्स लाइक दिस, समझ में आ रहा है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा मालूम है, ये वायर स्ट्रेट हो जाएगा, कोई बेंड वायर में करंट पास करो तो वो सीधा हो जाता है, चाहे किधर कोई बेंड हो, पर ध्यान रखें सिंगल कर्वेचर होना चाहिए। जैसे मैं डबल कर्वेचर वाला बताया, एक पार्ट के लिए क्या होगा, इस ये वाला करंट के लिए यहां पर कैसे फोर्स होगा, ये वाला करंट के लिए यहां पे कैसे फोर्स होगा, थिंग्स विल बी डिफरेंट। ये वाला करंट के चलते यहां पे जैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये वाला करंट के चलते यहां पे उल्टा और हर, तो सिंगल कर्वेचर वाला वायर में हम कहेंगे कि ये ऐसा रहता है। सिंगल कर्वेचर मतलब मान लो कि कोई सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, करंट पास करेंगे सीधा होने की कोशिश करेगा, कोई सर्कुलर रिंग है, करंट पास करेंगे तो ग्रो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वी शैल सी ऑल दोस थिंग्स। तो लेट अस नॉट जनरलाइज, मैं खाली बता दूं कि स्ट्रेट करंट वायर कैरिंग वायर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, बट ए बेंड वायर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको डिपेंड करता है कि वायर का शेप कैसा है, कैसे करंट जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाउएवर ए बेंड वायर, हाउएवर ए बेंड वायर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, In its own magnetic field, अपना magnetic field में ये force experience करता है, ठीक है, okay, ठीक है। यहाँ तक की चीजें simple थे, समझ गए। और हमें क्या पता चल गया, कोई small current element के ऊपर क्या magnetic force आता है। सपोज आपको पूछा गया कि कोई एक बेंड वायर है, सपोज हम कहेंगे कि ऐसा शेप का कोई वायर है और इसमें कुछ करंट जा रहा है और यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, आइडियल क्रॉस बी, दैट इज बी आइडियल साइन थीटा, व्हिच वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि उसमें आइडियल की डायरेक्शन जरूरत पड़ता था, है कि नहीं, आइडियल का डायरेक्शन जरूरत पड़ता था। तो इस केस में कैसे करेंगे, यहाँ पर हर एक सेक्शन के ऊपर अलग अलग फोर्स आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो इस सेक्शन के ऊपर ऐसा फोर्स आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये सेक्शन के ऊपर, सोचो ये एक सेक्शन है, ये सेक्शन के ऊपर ऐसा फोर्स आएगा, हर सेक्शन के ऊपर अलग अलग फोर्स आने वाला है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस विल गिव यू द नेट फोर्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे हर एक छोटे छोटे सेक्शन पे निकालना पड़ेगा और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी अगेन डिफरेंट, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, दैट इज द सम मैथमेटिकल जगलरी विद ट्रायंगल, आई मीन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा मैं आपको बता दूं, मैं समझा देता हूं, लिखेंगे नहीं हम लोग, समझा देता हूं क्या, और आप लोग नहीं लिखोगे क्योंकि वो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा समझ लेने से अच्छा लगता है। सपोज हम कहेंगे कि फोर्स ऑन ए बेंट वायर इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
मैं कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम कहेंगे कि सपोज आई से हियर इज ए वायर ऑफ दिस शेप, ओके, ऐसा शेप का कोई एक वायर है जिसमें कुछ करंट जा रहा है, सपोज यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे फोर्स निकालना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, हर एक छोटे छोटे सेक्शन पे निकालेंगे, ये छोटा सा सेक्शन का नाम बोलो आईडीएल वन, एक छोटा सा वेक्टर, बी तो ऐसे ही वेक्टर है, तो क्या हो गया, बी इट वाज आईडीएल वन क्रॉस बी, ठीक है ना, आईडीएल वन क्रॉस बी, द फोर्स ऑन द छोटा सेक्शन, छोटा सेक्शन के ऊपर ये फोर्स है। दूसरे छोटे सेक्शन अगेन आईडीएल टू क्रॉस बी, दीज आर ऑल वेक्टर्स, ये सारे को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से आई कमन जा सकता है, अंदर रहेगा डीएल वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डीएल टू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सो ऑन। अब इसमें से फर्दर अगेन हम अंदर रख सकते हैं डीएल वन वेक्टर क्रॉस डीएल टू वेक्टर क्रॉस डीएल थ्री वेक्टर एंड कॉमन जाता है बी, सॉरी कॉमन जाएगा क्रॉस बी, समझ में आया क्या, ऐसा होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स, समझ में आया, डेल्टा थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस। लेकिन थोड़ा देखो तो डीएल वन क्या है, एक वेक्टर है, डीएल टू और एक वेक्टर, डीएल थ्री और एक वेक्टर, शायद कभी बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ये वेक्टर, ओहो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, कहां से खत्म होके कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होता है, ट्रायंगल लॉ, ए से शुरू होगा सी पे खत्म होगा, है कि नहीं, और अगर हम कहेंगे ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, अब रिजल्टेंट कहां होगा, यहां से शुरू होगा यहां पे खत्म होगा, है कि नहीं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है, लॉ हम लोग पढ़े थे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं, द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके निकालते हैं। और अगर ये वेक्टर ऐसे जाते 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 क्लोज लूप खुद ही हो गए, कोई क्लोजिंग सेट बचा ही नहीं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो, जीरो। तो लॉ ऐसे था, थोड़ा याद दिला देते हैं, फेरे नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, एंड इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए क्लोज लूप देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ, यू नो। अगर ये चीज आपको मालूम है तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखो क्या हो रहा है, मैं इस सेम फिगर को थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा क्लियर बना देता हूं, सो दैट यू कैन बेटर वे अंडरस्टैंड। क्रॉस बी, ये हुआ कोई एक वायर जिसमें कुछ करंट आई जा रहा है, और मैं क्या निकालना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ डीएल1, ये डीएल1 है, ये डीएल2 है, ये डीएल3 है, सोचो डीएल1 ये क्या है, यहां पे डीएल1 डीएल2 डीएल3 दे आर ऑल वेक्टर्स, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ऐसे जोड़ते 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 यहां तक पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर, कैसा, यहां से शुरू होके यहां खत्म होता हुआ, आर यू गेटिंग, दिस एंटायर बेंट वायर इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल वेक्टर, और ये कितना है मालूम नहीं है, कॉल इट आई एल इक्विवेलेंट, तो हम क्या कहेंगे, ये अगर इधर से आई करंट जा रहा है, इट कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, so the entire thing comes out to be, entire thing comes out to be I L equivalent cross B, और अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा तो हम कहेंगे B I L equivalent sin theta, B I L equivalent sin theta, तो ये वायर के ऊपर ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कैसा फोर्स आएगा, अब हर सेक्शन पे फोर्स निकालो 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 हर एक सेक्शन पे, फिर सारा वेक्टर को जोड़ो, इंस्टेड यू कैन गो लाइक दिस, इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, देखो ये बी ऐसा है, करंट एलिमेंट ऐसा है, फोर्स इधर को होगा, तो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड हाउ मच इज द फोर्स, बी इंटू आई एल इक्विवेलेंट इंटू साइन थीटा, तो ध्यान रहे कि जो एल इक्विवेलेंट वेक्टर हुआ आई एल इक्विवेलेंट, वो कहां से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करंट,
कहां खत्म हुआ, एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द करंट। समझ में आया, ये चीज सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? थीटा इज एंगल बिटवीन आई एल इक्विवेलेंट एंड बी। बस समझ में आया, ये प्रूव करने के लिए आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बता। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस फाइंड, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर। हमें ये पता करना, तो यहां पे कुछ दिया, यहां पे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी, और यहां पे एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, रेडियस है इसका आर। ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या दिया? ऑप्शन बी दिया है कि हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई एक सेमी सर्कुलर वायर, ये है सेमी सर्कुलर वायर जिसमें करंट आई जा रहा है और इसका रेडियस आर। और ऑप्शन सी क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है हियर इज ए सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर। हर केस में हमें पता करना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर। कितना सिंपल है, यू हैव टू रिप्लेस द सेमी सर्कुलर वायर बाय ए सिंगल आई एल इक्विवेलेंट, फिर फोर्स निकाल दो। ठीक है, कोशिश करिए। तो ये जो पूरा चीज का हम लोग डिराइवेशन देखे, उसको समझते समझते कभी कभी दही जो है हिल जाता है अंदर से। तो आपको क्या याद रखना है, मैं ये बोला कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में करंट आई जा रहा है, और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, तभी जाके बी का बन जाएगा यूनिफॉर्म है। तो आप इसके ऊपर फोर्स जानने के लिए क्या करोगे, यू विल कंसिडर ए आई एल इक्विवेलेंट। कहां से शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करंट से। कहां खत्म होगा, एंडिंग पॉइंट ऑफ करंट पे। कंसीडर आई एल इक्विवेलेंट, अब इसके ऊपर फोर्स क्या है, देखो बी ऐसा है, और चलो आपको समझाने के लिए बी को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। चलिए बी ऐसा है और ये, तो हाउ इज द फोर्स, बी ऐसा है ये ऐसा है, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। और बी और आई एल के बीच में क्या एंगल हुआ, बी अंदर की तरफ है, ये अलोंग द प्लेन है 90 डिग्री हुआ, तो फोर्स हो जाएगा बी आई एल इक्विवेलेंट साइन थीटा। अब जब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा विल बी 1 बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन आई एल इक्विवेलेंट एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन आई एल इक्विवेलेंट एंड बी। तो फोर्स कितना हो गया, बी आई एल इक्विवेलेंट। क्या ये चीज समझ में आया सबको? जब भी कोई बेंड वायर दिया होगा कैसे निकालेंगे फोर्स, स्ट्रेट वायर के लिए फोर्स तो मालूम था, बेंड वायर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ता हुआ एक बेटर लगे। क्या समझ में आया? यस सर। ये ठीक ठीक, तो आप देखो हर केस में, इस केस में बताओ इसका इक्विवेलेंट करंट एलिमेंट कैसे होगा, एक वायर होगा, इसका एल इक्विवेलेंट कितना होगा, 2R, लेफ्ट से राइट होगा कि राइट से लेफ्ट होगा, लेफ्ट। ये देखो कितना सिंपल है, जल जाएंगे वो लोग, धुआं हो जाएंगे जो लोग, देखो यहाँ पर आते हैं कितना बढ़िया पढ़ते हैं, 2IR, ये B है, ये 2IR है, फोर्स विल बी लाइक दिस। अच्छा तो फोर्स कितना हो जाएगा, B into 2IR into sin 90, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, सो इट इज 2π, ये 2IR। अच्छा ये पाई कहां से आ गया,
अच्छा ये ऐसा होता है कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, बी इंटू टू आई आर ये तो गया टू बी आई आर साइन 91 है, फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए सोचिए, इसके लिए जो इफेक्टिव करंट एलिमेंट है वो कैसे होगा, ऊपर की तरफ कितना 2IR, मैग्नेट फील्ड कैसा है ऐसा है, तो फोर्स कैसे होगा B करंट ऐसा है, फोर्स इज इनवर्ड, तो फोर्स विल बी अगेन 2BIR लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या सबको समझ में आया? यस सर नो? अंकित जैन आपको समझ में आया? अंकित जैन बताओ इसमें क्या फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स इन द थर्ड केस, थर्ड केस में हाउ इज द करंट एलिमेंट एंड हाउ मच इज द फोर्स, हम जानना चाहते हैं। कोई बताएगा थर्ड केस में करंट एलिमेंट कैसा है? यस यस जीरो, देखो कितना बढ़िया है, ये सबको समझ में आया 2IR। और बी कैसा है? बी ऐसा है, बी और 2IR के बीच में एंगल कितना है, एंगल जीरो है, तो फोर्स होता है B into IL into sin 0, तो हो गया 0, no force, और अब no force नहीं कहेंगे, it is more appropriate to call net force will be 0, क्योंकि हर segment के ऊपर force आ रहा होगा, हर segment के ऊपर force आ रहा है, but net force will be 0, ठीक है, तो ये हम लोग देख लें कि किसी bent wire के ऊपर force कैसे आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम बेंड वायर के ऊपर फोर्स देख चुके हैं पॉइंट नंबर 6 में, नाउ विल सी पॉइंट नंबर 7। अब देखो कि सपोज हमारे पास कोई एक वायर है, वायर तो नहीं है, क्लोज लूप है ऐसा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपको पूछा गया ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कितना है, आप कहोगे ये वेक्टर। अगर मैं पूछूंगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, अब रिजल्टेंट कितना है, जीरो। तो ये अगर यहां पर हम क्लोज लूप ले लेते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस लेते हैं, डीएल वन डीएल टू डीएल थ्री डीएल फोर सब कुछ को जोड़ेंगे, तो जहां से गए थे वहीं वापस आ जाएंगे। सो व्हाट विल बी दिस टर्म कमिंग आउट टू बी, देखो तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज नो इफेक्टिव लेंथ इज लेफ्ट, ये क्लोज हो गया, तो फोर्स क्या होगा, ये अगर जीरो हो गया तो फोर्स हो जाएगा जीरो, yes, अरे इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा जीरो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे द इफेक्टिव करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट associated with any current carrying closed loop, current carrying closed loop is zero, कैसा हुआ, अभी तो देखे ऐसा कोई एक क्लोज लूप है जिसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, आप इसको कंसीडर करो DL1, आप इसको कंसीडर करो DL2, ऐसा करके जोड़ते जाओ, ये हो गया DL3, जोड़ते जाओ तो यू विल फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी DL3, और ये सारे को अगर जोड़ोगे रिजल्टेंट विल बी DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 होल थिंग विल बी इक्वल टू जीरो। सो कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। सो नेट फोर्स, आई डोंट राइट फोर्स, आई ऑलवेज राइट नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप, कैसा भी शेप का क्लोज लूप हो, करेंट कैरिंग क्लोज लूप कहां पे, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होना जरूरी है सर, क्यों जरा जरूरी, क्योंकि हमारा इसमें बी सबका बराबर था बोल के तो कमन गया था,
हर जगह बी वन बी टू बी थ्री बी फोर होता था, कमन जाता क्या? कमन नहीं जाता, तो बी हर जगह बराबर होना जरूरी है. शुड बी यूनिफॉर्म इन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इज जीरो. तो कोई भी कंकरिंग क्लोज लूप को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो नेट फोर्स ऑन दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ये बात समझ में आया है ना? नेट फोर्स जीरो मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो का मतलब नहीं कि फोर्स नहीं आ रहा है, फोर्स आ रहा है, लेकिन ये भागेगा नहीं. कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, उसका सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम. हो सकता है कि घूमेगा, हो सकता है कि घूमेगा. सपोज जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये वाला केस को थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सपोज ये कोई एक क्लोज लूप हुआ, ऐसा शेप का कोई क्लोज लूप हुआ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सपोज ऐसे करंट जा रहा है, मैं क्या करता हूं, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नेट फोर्स इज जीरो. व्हाई? बिकॉज फोर्स ऑन दिस सेक्शन क्या है? जीरो. फोर्स ऑन दिस सेक्शन क्या है? जीरो. क्योंकि ये बी के डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू हो जाएगा जीरो, एनवायरिटी, तो फोर्स हो गया जीरो. अच्छा, फोर्स ऑन दिस सेक्शन, ये सेक्शन कैसे होगा? अंदर की तरफ. फोर्स ऑन दिस सेक्शन, बाहर की तरफ. तो ये इधर अंदर की तरफ जितना होगा बाहर की तरफ उतना होगा, नेट फोर्स जीरो है. लेकिन दोनों फोर्स मिलके इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, ये घूमने की कोशिश करेगा. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन केस ऑफ एमिटर्स एंड वोल्टमीटर्स. वी सस्पेंड ए कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट कॉइल रोटेट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल. क्या सबको समझ में आ रहा है? तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, मोमेंट जीरो नहीं है. मोमेंट कितना है हम लोग देख लेंगे. We'll have a separate topic for it. For the moment, experienced by a current carrying closed loop in a magnetic field, जिससे आपका motor, generator वगैरह सब कुछ आएगा. Motor में coil ही तो है, जैसे magnetic field लगा है, घूम करके घूमने लगता है कि नहीं? अच्छा. तो current carrying closed loop के ऊपर force zero है. चलिए अब हम आपसे कुछ questions की उम्मीद रखेंगे. आप लोग try करो ये questions. यहाँ पे मैं और एक चीज भी आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि फोर्स ऑन ए स्ट्रेट और ऑन ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो आप लोग जानते हो उसी को लिख रहा हूं. बट यू विल डिस्कवर ए न्यू थिंग. इज इक्वल टू बी आई एल, बी आई एल. सर पहले बी आई एल साइन थीटा था. सवर करो, सवर करो. क्या है साइन थीटा, कहां गया मैं बताता हूं. सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई एक करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ है एल. ये कौन है जो बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, गिरा हुआ है, गिरा हुआ आदमी सब यहाँ. हाँ, तो ये करंट जा रहा है आई. अब ये बी और आई के बीच में क्या एंगल है? चलो मानते हैं कि एंगल कुछ थीटा है. ठीक है, ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है. चलो, तो ये जो एंगल थीटा है तो फोर्स कितना आ जाएगा? बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा. अच्छा, मैं इसको कहूं कि एल जीरो, तो आप कहोगे बी आई एल जीरो साइन थीटा. चलो ठीक है, पर देखो तो ये अगर एल जीरो है, ये थीटा है, व्हाट डज द टर्म, व्हाट डज द टर्म एल जीरो साइन थीटा रिप्रेजेंट, व्हाट डज द टर्म एल जीरो साइन थीटा रिप्रेजेंट. देखो थोड़ा ध्यान से, एल जीरो साइन थीटा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो वर्टिकल के साथ 90 मिनट थीटा कर रहा है, तो मतलब ये एंगल भी थीटा है. थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं सो दैट यू कैन सी क्लियरली. यस, ये वायर जो है, इस वायर का लेंथ कितना था? लेंथ इज दिया हुआ है, लेंथ इज एल जीरो. सपोज ये लेंथ इज एल जीरो, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है. ये एल जीरो है, तो व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज एल जीरो साइन थीटा. समझ में आया क्या? तो आई कैन राइट दिस एज बी आई एल, वेयर व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कभी कभार ऐसे देखने से चीजें जल्दी समझ में आ जाता है। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे मान लो ऐसा है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हम कहेंगे इस शेप का एक वायर है, ये लेंथ कितना है L1, ये लेंथ कितना है L2, क्या करंट जा रहा है I, बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर ABC, ये वायर के ऊपर क्या फोर्स है? तो आप कहोगे क्या कहोगे, फोर्स इज BI, लेंथ ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू बी, क्या ये लेंथ परपेंडिकुलर है? नहीं, ओनली दिस लेंथ, इट इज BI L2। अगर हम अपना ट्रेडिशनल तरीके से करते तो क्या करते, क्या करते, पहले हम क्या करते कि यहां पर निकालते व्हाट इज द इफेक्टिव करंट एलिमेंट, कितना होता L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर होल डबल, फिर इन दोनों के बीच में एंगल देखते, फिर B into I into this into sin theta करते, फिर this into sin theta would come out to L2। समझ में आ रहा है क्या? अब हम सीधे सीधे समझ गए कि I have to consider length of the conductor perpendicular to magnetic field। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी चीजें बन जाएंगी। अगर ये सारा चीज आपको समझ में आया तो बताओ कुछ चीज दे रहे हैं आप, लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। अच्छा, ये कोई एक ऐसा क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है, इट इज क्वार्टर ऑफ ए सर्किल। अच्छा कैसा है ये? ऐसा है, ये क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है और इसमें क्या दिया है, दिया है कि दो केस में देता हूं, इसमें कुछ करंट आई जा रहा है, इसमें कुछ करंट आई जा रहा है, ये रेडियस R है और मैं क्या करता हूं कि इसका थोड़ा मिरर इमेज बना देता हूं, मिरर इमेज बन जा भैया, बन गया मिरर, नीचे बन गया, ठीक है, अरे उल्टा बन गया। ये कॉपी कर दिया, तो मैं इसका अभी बनाना चाहता हूं दो केस, ये दोनों केस में मुझे फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग वायर चाहिए। पहला केस में मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस ऐसा है, कितना है CB0। दूसरा केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है B0। तो इन ईच केस यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑन दी 3/4 ऑफ दी वायर कैरिंग द सेम करंट। हर एक केस में ये जो वायर हम देख रहे हैं उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, हाँ क्या फोर्स आएगा, चलिए देखते हैं। फाइंड फोर्स इन ईच केस। पहला केस का पहला फोर्स कोई बताएगा, पहला केस में क्या फोर्स आएगा? पहला केस वाला ये, वी हैव टू फाइंड आउट BIL, जिसमें L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओ ऐसा है, तो क्या हम ये कंडक्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इफेक्टिव लेंथ कैन बी कंसीडर्ड एज ए वेक्टर लाइक दिस, है ना? अच्छा ये एक वेक्टर है, कितना है √2r, इसका लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये लेंथ, हाउ मच इट इज r, ये हो गया √2r, इसका लेंथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये कितना है r, तो फोर्स कितना बन गया BIR। समझ में आया क्या? यू हैव टू फाइंड आउट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया विपिन? ओके, दूसरे केस में इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, ये तो √2r है, व्हाट इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंटायर लेंथ, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, B0 I into √2r।
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है दोनों केस में? इस केस में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड? एंटायर लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या है ये? नहीं, और ये ऐसा, और डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन बगैर आप निकाल सकते हो, फोर्स इधर को होगा, इस केस में फोर्स, इस केस में आपको होगा कि द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इस केस में आपको होगा कि बी ऐसा है और ये वायर का डायरेक्शन ऐसा है, तो बी ऐसा है, ये ऐसा है, फोर्स विल बी आउटवर्ड्स, यस फोर्स विल बी आउटवर्ड्स लाइक दैट। क्या बात समझ में आ रहा है? हैं, हाँ या ना? हाँ, क्या दिया है? ए बी एंड सी डी दो वायर है, ये दोनों इस रेल के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। फोर्स ऑन व्हिच वन इज मोर? अरे इसका जितना लेंथ है इसका भी तो इफेक्टिव लेंथ उतना ही है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज सेम एज दिस, सो दोनों का IL इक्विवेलेंट बराबर है। IL इक्विवेलेंट फॉर किसके लिए? ए बी इज सेम एज IL इक्विवेलेंट for CD, so same force x, अच्छा तो दूसरा क्वेश्चन में आंसर बताइए, दिया है कि एक रिंग है, ये एक रिंग है, रिंग का ये छोटा सा सेक्शन है जो 60 डिग्री कर रहा है सेंटर पे, और यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में मालूम नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में है, दिया है ABC के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो F0 है, वेक्टर, हाँ, तो पूछा है ए डी सी के ऊपर क्या फोर्स आएगा, कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखा जाए क्या बोल रहे हैं, ये स्लोप क्यों बोल रहे हैं, F0 स्वस्ति का बोल रही है F0, बट रिमेंबर F0 इज ए वेक्टर, टेल मी वेक्टोरियली, वेक्टोरियली बताइए, देखिए क्या होगा अगर हम सोचे इसको ढंग से ऐसे, तो हमारा जो ये छोटा सा सेक्शन है ए बी सी वाला, इसके ऊपर, अरे तू क्या है वाला, ठीक तो ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट है ना, तो बड़ा नोट ठीक, एक मिनट थोड़ा सा इसको समझाने की तरीका निकालते हैं, ये चल तू, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकालता हूं तो आई हैव टू कंसीडर द एलिमेंट लाइक दिस, एबीसी का इफेक्टिव करंट एलिमेंट ऐसे होगा और एडीसी का इफेक्टिव करंट एलिमेंट ऐसे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ, क्या समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले के ऊपर अगर फोर्स F0 हुआ, ये करंट उल्टा है, फोर्स क्या होगा? माइनस F0, ये चीज समझ में आना चाहिए, समझ में आया क्या? सो इफ द करंट एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द करंट एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी एंड सी डी ए आर इक्वल एंड अपोजिट, so force on CDA is going to be minus F0 vector, क्या बात सबको समझ में आया है? Next question दिया है कि यहाँ पर कोई एक रिंग है रेडियस R का, यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, नेट फोर्स ऑन रिंग क्या है? ये तो बच्चा जानता है, नहीं यहां से 50 मील दूर तक जब किसी को पूछा जाएगा रिंग के ऊपर फोर्स क्या है, आप क्या कहोगे? जीरो, क्योंकि ये क्लोज लूप है। अच्छा, नेट फोर्स जीरो का मतलब नहीं कि फोर्स नहीं आ रहा है, बहुत सारे फोर्स आ रहे, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो, तो उसके चलते इसमें कुछ टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द टेंशन इन द रिंग, नाउ यू थिंक नेट फोर्स पता चल गया जीरो है, अब पता ये करना है कि व्हाट इज द टेंशन इन द मटेरियल ऑफ द रिंग, ठीक है, चलिए मैं रिंग का कोई एक सेक्शन को लेता हूं, आई कंसीडर एनी सेक्शन ऑफ द रिंग, से दिस इज ए सेक्शन, ये सेक्शन ऑफ द रिंग, ये सेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है जैसे हमारा करंट फिगर में जा रहा है,
ये सेक्शन के ऊपर फोर्स कैसे आएगा, फोर्स कैसे आएगा, बी अंदर की तरफ है, करंट ऐसा है तो फोर्स इधर को आएगा, तो दिस सेक्शन विल एक्सपीरियंस इट फोर्स लाइक दिस ऑबवियस। अच्छा ये सेक्शन को थोड़ा देखो, तो ये सेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, हाउ इज द फोर्स, फोर्स इज आउटवर्ड्स। देखो हर जगह हर सेक्शन पे आपको जो फोर्स मिलने वाला है वो आउटवर्ड मिल रहा है, बिकॉज द करंट इज क्लॉकवाइज, करंट डायरेक्शन उल्टा होता तो सारे फोर्स इनवर्ड होते, तो ये मत याद रख लेना कि हरदम आउटवर्ड होगा, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट के ऊपर। ओ तो हर सेक्शन के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है जो इसको खींच रहा है, अगर चारों तरफ से रिंग को पकड़ के खींचोगे तो रिंग बड़ा होने की कोशिश करेगा, बड़ा होने की कोशिश करेगा तो लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगा, देयर विल बी अ टेंशन इन द रिंग, व्हाट इज द टेंशन, नेट फोर्स क्या है, ये इसको कैंसिल कर गया, ये इसको कैंसिल कर गया, नेट फोर्स जीरो है, बट देयर विल बी अ टेंशन इन द रिंग, हाउ मच इज द टेंशन वी वांट टू नो, टेंशन कितना है, और हमें मालूम है टेंशन लेने का नहीं देने का, नहीं देखो कैसे होता है। अब यहां पे पहले हम टेंशन का डेफिनेशन याद करते हैं, कोई एक वायर में टेंशन कितना है, सपोज हम 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहे हैं, व्हाट इज द टेंशन हियर, टेंशन एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद व्हिच वन सेक्शन ऑफ द थ्रेड इज पुलिंग द अदर सेक्शन। इसको यहां से काटो और देखो कि ये वाला सेक्शन को यहां पे पकड़ के कितना जोर से खींच रहा है, जितने भी जोर से खींच रहा है उसी को कहेंगे टेंशन। अब ये इसको जितने जोर से खींच रहा होगा, ये भी उसको उतने जोर से खींच रहा होगा। अच्छा जब हम थ्रेड को खींच रहे हैं, थ्रेड इधर से बना हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये सेक्शन भी मूव नहीं कर रहा है, ये सेक्शन मूव नहीं कर रहा है, इधर मैं 10 न्यूटन दिया हूं, इधर ये टी से खींच रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब टेंशन कितना है, लॉजिक इज अंडरस्टूड। ठीक है, सेम वे कहीं भी अगर हमें टेंशन पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको वहां से काट देंगे और देखेंगे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है। अगर समझ में आ गया, क्या सरकार बता सकते हैं कि यहां पर ये फोर्स मान लो हम दे दिए 10 न्यूटन का और यहां पे मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन का, व्हाट इज द टेंशन हियर, टेंशन जीरो, क्या जितने जोर से दोनों तरफ से पकड़ के खींचेंगे टेंशन जीरो होगा, क्या जीरो नहीं होगा, तरीका लगाओ डेफिनेशन, द टेंशन एट दिस पॉइंट इज अगेन द फोर्स विद व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन, काटो इसको, देखो कि ये वाला सेक्शन को ये कितना जोर से खींच रहा है, जितने भी जोर से खींच रहा है वही टेंशन है, ये पूरा थ्रेड दोनों तरफ 10-10 न्यूटन होने के कारण टन-टन-टन होके मूव नहीं कर रहा था, जबकि ये सेक्शन भी मूव नहीं कर रहा है, तो इधर 10 है तो इधर टी है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब टी कितना है, यस, तो आपको टेंशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आई वॉन्ट टू गो फॉर थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ रिंग, हाफ रिंग का थ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, आधा रिंग को लेते हैं, ये हो गया आधा रिंग, ठीक है आधा रिंग, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अच्छा ये रिंग के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा, और जो दूसरा आधे वाले रिंग है वो इसको यहां से पकड़ के खींच रहे होंगे कुछ सम टेंशन टी है कि नहीं, और इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके लिए होगा, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव मैग्नेटिक एलिमेंट, कितना है वो 2IR, क्या समझ में आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा कैसे होगा, बी अंदर की तरफ है, ये ऐसा है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स इज लाइक दिस, तो एट इक्विलिब्रियम एफ मस्ट बी इक्वल टू 2T, ये खींच रहा है, ये दोनों खींच के रोक के रखे, इसलिए तो इक्विलिब्रियम है, एफ इज इक्वल टू 2T, देखो तो कमाल लग गया लड़की का, ऐसे तो ठीक, तो क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू 2T, एफ क्या है, बी इंटू 2IR इंटू साइन 90, बी और 2IR के बीच में एंगल 90 है, दैट इज इक्वल टू 2T, तो टी कितना हो गया BIR, वाओ, तो लटरी उठाएगी तो तेरा लग जाए, तुक्का मार से कुछ लग जाता है, देखो बढ़िया, सो टेंशन इज बी इंटू आई इंटू आर, आया समझ में, यस सर,
फिर मिलेंगे अगले क्लास, और ढेर सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।